अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मेरा सवाल था कि स्कूल में एक सवाल था कि अगर अल्लाह मियाँ इतना काइंड और हम सारों से प्यार करता है, फिर जैसे फ्लड होते हैं उनके अंदर अच्छे बंदे क्यों मरते हैं? अच्छे बंदे क्यों मरते हैं? जब एक कानून होता है, दो किस्म के लॉ चलते हैं ना, अल्लाह ताला का कानून है, बुखार होते हैं दुनिया में, हर एक ने ज़िंदा सारी उम्र तो नहीं रहना, किसी ने जल्दी चले जाना है, किसी ने देर में जाना है, ठीक है। तो कोई बीमारियों से फौत हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट से फौत हो जाते हैं, कुछ फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, उनसे जिनको पूरी तरह प्रोटेक्शन ना हो फ्लड की, उनमें चले जाते हैं। अब फ्लड अगर आ रहे हैं और पहले पता लग जाता है, वार्निंग हो जाती है ना फ्लड्स की, अगर तुम उसके सामने बैठे रहो तो ज़ाहिर है पानी के ने तो फ्लो करके ले जाना सारों को। लेकिन अगर तुम्हें पता लग गया कि फ्लड आ रहा है, उससे पीछे हट जाओ तो नहीं मरोगे, बच जाओगे, ठीक है। लोग अपने आप को बचा लेते हैं, अपने ऐसे चीज़ें जो कीमती होती हैं उनको भी बचा लेते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाने के लिए बताता है कि मेरे में सारी ताकतें हैं और सारे काम मैं करता हूँ, ठीक है। और अगर फ्लड आने हों और मारना हो ना अल्लाह ताला ने, तो ऐसे भी फ्लड ला सकता है कि सारों को ही मार दे, किसी को मौका ही ना मिले। तो ये अल्लाह ताला की काइंडनेस है, अल्लाह ताला की रहम है, मर्सी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को बचा लेते। बहुत सारे जैसे जैसे फ्लड आते हैं उसमें तो बहुत से लोगों को मर जाना चाहिए, लेकिन बहुत से बच जाते हैं, थोड़े से मरते हैं। तो एक कानून चल रहा है जिसका नुकसान अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो, पहले पता होना चाहिए। लेकिन बाज़ फ्लड ऐसे भी होते हैं, सुनामी मसलन आया, सुनामी में कोई बच नहीं जाता, एकदम सोए सोए आ गया, सारों को रात को ही डुबो दिया। तो उसमें अच्छे और बुरे सारे मरते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग मरते हैं उनको अल्लाह ताला मरने के बाद अच्छा रिवार्ड देता है। जो बुरे लोग मरते हैं उनको मरने के बाद फिर सज़ा मिलती है जहन्नम की, ठीक है। तो अगर बिलफर्ज तुम समझो कि अल्लाह नहीं है, तो अल-फ्लड आते हैं और फिर उसमें अच्छे भी लोग मर जाएं और बुरे भी मर जाएं, तो उनको क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे? हैं के अगर अगर, अगर तो लोग तुम्हारा सवाल यही है ना कि अगर खुदा है जी, और वो बड़ा काइंड है, ठीक, मेहरबान है, रहम करता है, ठीक, तो फिर लोग क्यों मरते हैं? ठीक है। तो इसमें तो मरने तो ज़िंदा रहना और मरना तो एक ज़िंदगी के हर इंसान के साथ लगा हुआ है। लेकिन बाज़ दफ़ा बाज़ आफतों की वजह से जो लोग मरते हैं वो उनका या उनके पीछे रहने वालों का एक ऐसा ट्रायल होता है जिसमें से अगर वो बग़ैर अल्लाह ताला पे शिकवा किए गुजर जाएं तो अल्लाह ताला बहुत रिवार्ड देता है। दूसरे जो हैं बुरे लोग अगर मरते हैं तो उनको अल्लाह ताला सज़ा देता है, ठीक है। असल में ज़िंदगी जो है ये ज़िंदगी तो नहीं दुनिया की, अल्लाह ताला ने कहा है इस मरने के बाद की ज़िंदगी जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है, ठीक है ना। इटर्नल ज़िंदगी तो मरने के बाद की है ना, उस ज़िंदगी में अगर तुम्हें रिवार्ड मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं जी। अगर तुम इसी ज़िंदगी को सब कुछ समझोगे तो तुम कहोगे क्यों हुआ। अगर तुम्हें अगली ज़िंदगी पे यकीन है जो मरने के बाद आनी है, तो फिर तुम कहोगे अच्छा हुआ, अल्लाह के पास हम चले जाएंगे, मौज करेंगे, हैं, नेक काम करके।